21 सितंबर को रवि भवन नागपुर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संस्था में स्वीकृत 7 ट्रस्टियों के स्थान पर 25 ट्रस्टियों की नियुक्ति कर उन्हें अलग अलग प्रदेशों का प्रभार दिया गया। साथ ही उपरोक्त लिए गए निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए। 24 जुलाई 1981 को धर्मादाय आयुक्त कार्यालय मुंबई द्वारा स्वीकृत स्कीम में वर्तमान स्थिति के अनुसार बदलाव किया गया। 17 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी को हमने संस्था में सम्मिलित किया था और दिनांक 13 नवंबर को इन्हें तथा माननीय प्रवीण दिखाड़े जी को धर्मादाय आयुक्त कार्यालय मुंबई में मेरे हस्ताक्षर से चेंज रिपोर्ट द्वारा ट्रस्टी बनाया गया। इसकी जानकारी आप सभी को मार्च दिसंबर 2021 को नागपुर में पत्र परिषद लेकर दी गई थी। 31 मई 2022 को हैदराबाद में जनरल बॉडी मीटिंग लेकर मीराताई आंबेडकर को संरक्षक तथा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोनीत किया गया था तथा संयुक्त रूप में केंद्रीय कार्यकारिणी गठित करने का भी निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 30 दिसंबर 2022 को कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की है भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल चंद्रबोधी पाटिल द्वारा। विशाखापट्टनम में हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो 24 जुलाई 1981 को जो स्कीम बनाई गई थी, चैरिटी कमीशन ने जिनको अप्रूव किया था, उसमें उस समय के तक 7 ट्रस्टी थे। अभी हमारे जो पूरे भारत में 26 राज्यों में हमारी शाखा मतलब कार्यरत है, तो हमें लगा कि भाई बाकी प्रदेशों के भी प्रतिनिधि को हमने प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इसलिए हमने 7 की जगह 25 ट्रस्टियों का प्रावधान किया है। और जो स्कीम बनी थी उस समय में, उसमें मॉडिफाई करने का निर्णय लिया, तो कल की बैठक में जो हमारे जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक, उसमें ये सब निर्णय लिया है। और जो आपको जानकारी है, आप सभी उसमें साक्षी हैं कि दिसंबर 2021 में जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें हमने माननीय भीमराव अम्बेडकर जी को यानी ट्रस्टी बनाया करके नवंबर 2021 को उनको ट्रस्टी बनाया गया था, साथ में उनको कार्याध्यक्ष और श्रीमती मीराताई अम्बेडकर जी को यानी पैट्रॉन बनाया था, जो 31 मई 2022 हैदराबाद में जो बैठक हुई थी, जनरल बॉडी बैठक, उसमें हमने निर्णय लिया था। लेकिन सबको खुशी हुई थी, हमारे समाज को, कि भाई चलो अच्छी बात है, भाई अलग अलग गुट है इकट्ठा आए हुए हैं, लेकिन वो देखते हुए हमको कोई अच्छी अनुभूति नहीं हुई। हमारे यानी उन्होंने समानांतर शाखा गठित करने का और अलग अलग निर्णय लेने का जो ये किया है, और अभी तो आपको पता ही चला है कि वो उनका जो झुकाव है वो राजनीति की तरफ, बाबा साहब के 3 पोते और तीन पार्टियों में मतलब चुनाव लड़े हैं अभी लोकसभा का, बाबा साहब अम्बेडकर अकोला से, अमरावती से आनंद राज, और ये होशियारपुर पंजाब से भीमराव अम्बेडकर जी, और उनको वोट कितने मिले, 1041। अब हमारे ये बौद्ध समाज के लिए या अम्बेडकर अनुयायी के लिए कितनी हम ये दुखद बात है कि लोकसभा चुनाव में 1041, तो क्या जरूरत थी पंजाब में जाके चुनाव लड़ने की। तो हमने तो ये पहले तय किया था कि बुद्धिस्ट सोसाइटी राजनीति से अलग रहेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।